उदयपुर समृद्ध जैव विविधता वाले उदयपुर अंचल को यो तो अपने यहाँ पर सैकड़ों प्रजातियों के जीव जंतुओं की उपलब्धता के कारण गौरव मिला हुआ ही है, पर इस बार उदयपुर जिले के दो पक्षी प्रेमियों को यहाँ पर भारत में पहली बार और विश्व में तीसरी बार ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर पक्षी की साइटिंग करने की उपलब्धि हासिल हुई है। शहर के नीमच माता स्कीम निवासी भानु प्रताप सिंह और हिरण मगरी सेक्टर 5 निवासी विधान द्विवेदी को समीपस्थ थूर गांव में ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर की यह दुर्लभ साइटिंग हुई है, जिससे स्थानीय पक्षी प्रेमियों में हर्ष है। थूर गांव में दिखा दुर्लभ किंगफिशर। भानु प्रताप सिंह और विधान ने भारत में पहली बार इस किंगफिशर की साइटिंग थूर गांव के समीप डांगियों का हुदर गांव स्थित डेड सेलर फार्म में की है, जबकि इनका नेस्ट गांव का ही तालाब पर मिला है। उन्होंने बताया कि यह किंगफिशर उन्होंने 3 अगस्त 2021 को सुबह 6:19 पर पहली बार देखा। इसके बाद उन्होंने किस किंगफिशरों के फ़ोटो और वीडियो क्लिक कर इसके बारे में जानकारी जुटानी प्रारंभ की और इसकी नेस्टिंग की तलाश की। 3-4 दिनों की खोज के बाद इसके यही रहने की नेस्टिंग करने की पुष्टि हुई। तब उन्होंने पक्षी विशेषज्ञों से संपर्क कर इसकी साइटिंग के बारे में जानकारी संकलित की। इसके बाद इन्होंने विशेषज्ञों की सहायता से रिसर्च पेपर तैयार कर इंडियन बर्ड वेबसाइट पर भेजा है। भारत में पहली बार दिखा ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर। राजपुताना सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के संस्थापक और भरतपुर के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा ने भी ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर की उदयपुर में साइटिंग को भारत की पहली साइटिंग बताया है और कहा कि इससे पहले भरतपुर के घना पक्षी अभ्यारण्य में वर्ष 2021 में एल्बिनो कॉमन किंगफिशर की साइटिंग रिपोर्टेड है। उन्हें बताया कि उदयपुर की जैव विविधता के बीच ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर की साइटिंग वास्तव में उपलब्धि है और इसे शोध पत्रिकाओं में स्थान मिलना ही चाहिए। इधर उदयपुर पक्षी विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक डॉक्टर सतीश शर्मा ने ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर की साइटिंग पर खुशी जताते हुए कहा कि शहर और आसपास की प्रदूषण मुक्त आबोहवा के कारण दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों की भी साइटिंग हो रही है। उन्होंने पक्षी प्रेमियों को इस उपलब्धि का शोध पत्रिका के लिए भेजने को सुझाव दिया और इसे उदयपुर जिले के गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। ऐसा होता है एल्बिनो और ल्यूसिस्टिक डॉक्टर सत्य प्रकाश मीणा ने बताया कि जिस तरह से मनुष्य के सफ़ेद दाग या सूर्यमुखी होते हैं, उसी तरह से अन्य जीवों का एल्बिनो और ल्यूसिस्टिक होना भी एक तरह की एक बीमारी है। इसमें भी एल्बिनो में तो पूरी तरह जीव सफ़ेद हो जाता है, वह आँखें लाल रहती हैं। इसी प्रकार ल्यूसिस्टिक में शरीर के कुछ भाग जैसे आँख, चोंच, पंजों व नाखून का रंग यथावत रहता है तथा अन्य अंग सफ़ेद हो जाते हैं। इंडियन बर्ड ने लगाई मुहूर। भानु प्रताप सिंह और विधान द्विवेदी ने बताया कि दुर्लभ किंगफिशर के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने के बाद शोध पत्र को इंडियन बर्ड वेबसाइट में इस खोज को प्रमाणित करने के लिए भेजा था, जहां से 2 दिन पूर्व ही उनकी इस खोज को प्रमाणित किया है। बताया गया कि ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर पक्षी की भारत में यह पहली और विश्व में तीसरी साइटिंग है। यह पक्षी विश्व में पहली बार यूके में, दूसरी बार ब्राज़ील में देखा गया। उदयपुर को विश्व में तीसरी बार और भारत में पहली बार साइटिंग का गौरव प्राप्त होने पर ग्रीन पीपल सोसाइटी के राहुल भटनागर, वांगर्ड नेचर क्लब के डॉक्टर कमलेश शर्मा, विनय देव सहित स्थानीय पक्षी प्रेमियों ने खुशी जताई है और कहा है कि ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर पक्षी की साइटिंग ने इस अंचल की समृद्ध जैव विविधता पर मुहर लगा दी है। हाँ भानु जी, आपने जब भी नई चिड़िया देखी है, कृपया उसके बारे में प्रकाश डालिए, उसमें क्या खासियत है और क्या विशेषता है। सर, ये हमको स्पॉट हुई थी 2 महीने पहले बर्डिंग करते वक्त। फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हमें पता लगा कि ये कॉमन किंगफिशर है और उसमें खासियत ये थी कि ये एक ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर है। अब सर, ल्यूसिस्टिक कॉमन किंगफिशर एल्बिनो से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें पार्शियल पिगमेंटेशन होता है। इसके बाद हमने डॉक्टर सतीश शर्मा सर से बात करी और डॉक्टर SP मेहरा सर से बात करी और उनके निर्देश अनुसार हमने इसका फीडिंग पैटर्न, इसका हंटिंग पैटर्न और इसका मूवमेंट ऑब्जर्व करने के बाद इस पर एक हमने साइंटिफिक पेपर लिखा है जो कि हमने indianbirds.in पे पब्लिशिंग के लिए दिया है। आप बता सकते हैं ये दूसरी चिड़िया से आपने इसमें विशेषता क्या है, मतलब क्यों आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं? सर, इसमें जैसे इंसानों में एक सूरजमुखी करके बीमारी होती है, वैसे ही जानवरों में पिगमेंटेशन की कमी के कारण उनकी स्किन या फिर फेदर्स वाइट हो जाते हैं।
तो इसकी खासियत ये है कि ये ल्यूसिस्टिक है, इसमें पार्शियल पिगमेंटेशन की कमी है जिस वजह से ये चिड़िया सफ़ेद है। क्या आज से पहले भी ये दिखाई दिया था? सर हमारी शोध के अनुसार ये इंडिया में कॉमन किंगफिशर का ल्यूसिस्टिक वर्जन पहली बार नजर आया है, इसके पहले ये यूके और ब्राज़ील में दिख चुका है। कब दिखा था साहब ये? सर 1990s के पहले की सेटिंग है इन यूके एंड ब्राज़ील। इंडिया में सर ये कॉमन किंगफिशर की ल्यूसिस्टिक वर्जन की पहली।